लॉन्च हुआ है विच इज पिंक वुल्फ नेरोली एंड मैंडरिन लगेरी शेव सोप फॉर ऑल स्किन टाइप्स 50 ग्राम्स का पैक है। अब ये नॉर्मल जो पिंक वुल्फ के सोप्स होते हैं वैसा ही है, इसकी फ्रेग्रेंस चेंज है विच इज हाय हाय ब्यूटीफुल। तो हमने आपको याद होगा पानी सोप्स का एक बर्गामट एंड नेरोली का शेविंग सोप ट्राई किया था, वो भी सीट्रस था, लेकिन ये महा सीट्रस है, एकदम ही खतरनाक सीट्रस है ये, मतलब सीट्रस ब्लास्ट है ये। इट्स वेरी प्लेजेंट, मतलब सुबह सुबह अगर आपको नींद जैसा लग रहा है उठने के बाद में और आप चाहते हो कि आपको तरोताजगी आ जाए तो आपको ये शेविंग सोप यूज करना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, व्हाइट कलर की है बिल्कुल, इसको ब्लूम वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ है, ये बेसिक जैसा है वैसा ही है। तो आप इसको हम यूज करेंगे, तो इसके साथ में और भी प्रोडक्ट्स यूज करेंगे हम, देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। ओके और चालू करते हैं शेविंग। सो मैंने आज क्योंकि पिंक वुल्फ का सोप यूज करना था तो मुझे पता है स्लिकनेस तो अच्छी होगी नो डाउट, बट क्योंकि मुझे टेस्ट नहीं करनी है स्लिकनेस, फिर भी हम थोड़ी पता करेंगे। सो मैंने आज यूज किया है पिंक वुल्फ का नो सोप 3-in-1 फेस क्लेंजर, ये मेरा सबसे फेवरेट फेस क्लेंजर है नो डाउट। तो वही हमेशा की तरह यार, पानी थोड़ा सा चेहरे पे और ब्रश पिंक वुल्फ का, ये सिंथेटिक सॉफ्ट ब्रिसल्स वेलवेट ब्रश, बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप कटिंग करवा के आओ, हेयर कट करवा के आओ, तो आपकी इस तरफ जो फाइन शेविंग होती है जो बार्बर करते हैं उस तरह से, उसके बाद आप करते हो तो कितना अच्छा लगता है ना, यूं यूं करते हो तो, वैसा इसको ऐसे करके बहुत अच्छा लगता है, वेरी बहुत ट्रांस में पहुंच जाते हो आप। एनीवेज अभी मैं तो वीडियो बनाता हूँ वरना आप बोलोगे ट्रांस में जा रहा था तो भाई वीडियो क्यों बना रहा है। एनीवेज तो चलो और रेजर ब्लेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा लादरिंग कर लेते हैं ठीक है। अब ये हमारा सोप पक है और पानी मैंने निकाल दिया है और फिफ्टीन सोल्स किए हैं विदाउट ब्लूमिंग द सोप, कोई पानी वगैरह डाला नहीं था उस पर, ब्लूम वगैरह किया नहीं था, देखते हैं कैसा लादर बनता है। बहुत फ्रेश यार, बहुत फ्रेश खुशबू, दिस इज अ समर फ्रेग्रेंस विच कैन बी यूज इन रेनी सीजन एंड वैसे आप इसको विंटर में भी यूज कर सकते हो। इसमें सीट्रस हिंट है लेकिन ये कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ सीट्रस नहीं है, इसमें नेरोली भी है विच मेक्स इट सुटेबल टू बी यूज इन विंटर्स एज वेल। वेरी गुड यार, वेरी नाइस, रियली वेरी नाइस। सीट्रस फ्रेग्रेंसेस जो है वो काफी फ्रेशनिंग होती है, मतलब काफी उससे ऐसा अवेकनिंग का एहसास होता है विथ रिस्पेक्ट टू बिट ऑफ रिलैक्सिंग। सो या डेफिनेटली, मतलब अब सीट्रस में भी दोस्तों मैंने जैसे आपको एक पहले वाले वीडियो में बताया था कि बहुत टाइप के फ्रेग्रेंसेस होते हैं, बर्गामट होता है, लेमन होता है, लाइम होता है, ऑरेंज होता है, मैंडरिन होता है, टैंजरीन होता है, ये तो मैंडरिन है। सो ये सब सीट्रस के ही प्रकार होते हैं लेकिन हर किसी की फ्रेग्रेंस अलग अलग होती है, तो सीट्रस मतलब कोई एक पर्टिकुलर हमेशा एक जैसा नहीं होता, इट इज लाइक सीट्रस फ्रूट्स का वो फ्रेग्रेंस होता है। और जैसे इसमें मैंडरिन यूज किया तो इसमें मैंडरिन का नोट मिलेगा, किसी में लाइम लेमन यूज किया तो उसमें लाइम लेमन का नोट मिलेगा, किसी में ऑरेंज का किया, सात्सुमा का किया तो वैसा मिलेगा, इसमें मैंडरिन का है विच इज वेरी फ्रेशनिंग। मतलब मैं एक्चुअली मैंडरिन का नोट पहली बार ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ एंड आई एम रियली लाइकिंग इट, और नेरोली के साथ में इट इज वेरी सेटलिंग, लेकिन बहुत ज्यादा सेटलिंग नहीं है, इट इज नॉट वेरी कामिंग, इट इज रिलैक्सिंग, बट ये वाइड अवेकनिंग करने के लिए ये आई विल कंसिडर दिस फ्रेग्रेंस, रियली वेरी गुड। मॉर्निंग में यूज करो, आपका दिन ही एकदम शानदार चालू हो जाएगा, एक्टिव हो जाओगे आप एक सेकेंड में। कूलिंग इफेक्ट कोई नहीं है, देर इज जीरो कूलिंग इफेक्ट, मतलब मेंथॉल वगैरह कुछ लग नहीं रहा है इसमें, खैर इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़े भी नहीं। मैं लिंक्स तो आपको यार सारे प्रोडक्ट्स ही शेयर कर देता हूँ, इसकी भी शेयर करूंगा पिंक वुल्फ पे, अभी इस पे 100 rupees off भी चल रहा है, 399 का सोप है, अगर आप वो न्यू सोप कोड डालते हो
ठीक है, तो उसमें आपको 100 रुपीज ऑफ मिलता है। अमेजोन की लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जहां से आपको ठीक लगे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अच्छा, आज की रेजर कौन सी है? सो यार, काफी टाइम से लोग मेरे को पूछ रहे थे कि यार फेदर पॉपुलर एक माइल्ड रेजर है और ट्विस्ट टू ओपन में और कौन सी माइल्ड रेजर है जो आपको लगती है। तो यार ये एक रेजर है रोमर 7 की, ये वाइस रॉय रेजर, दिस इज वन ऑफ द माइल्ड रेजर विच आई कंसिडर इन ट्विस्ट टू ओपन कैटेगरी। अब इसके साथ ब्लेड, ब्लेड आज मैं यूज कर रहा हूँ शेवेक्स, लेकिन वो है यूज नंबर 2 पे। टीटीओ यूज करने का फायदा क्या है, इसमें ब्लेड लोड करना बड़ा ही ईजी है। ब्लेड आपने निकाली, ये आपने जो है लोड कर दी डोर्स के बीच में और ये बंद कर दिया, मतलब इस तरीके से ये खुल जाता है। ठीक है, ये खुल गया, ब्लेड लोड हो गई और ये बंद कर दो, मतलब कोई 3 पीस 2 पीस वगैरह का वैसा कुछ इसमें नहीं है, सिंपल है। हाँ, इसका मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ये पर्टिकुलर मॉडल में तो नहीं, बट काफी सारे टीटीओज में जो स्क्रूइंग बहुत ज्यादा होती है तो उसके पार्ट्स को थोड़ा सा ऑयल करके रख दो आप। ऑयल कौन सा यूज करोगे, खाने वाला ऑयल, वो जो मशीन में डालने वाला ऑयल होता है वो मत यूज करो, या फिर मिनरल ऑयल भी यूज कर सकते हो आप, मिनरल ऑयल वाला ऑयल भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट मिनरल ऑयल जनरली ज्यादा यूज नहीं करना होता, बट यार हम तो फ्रिक्शन को हटाने के लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट्स ओके। ठीक है, अब ये भी बताते रहो, मैं शेव करता हूँ और साथ ही साथ आपको बताते जाऊंगा ताकि टाइम अपना बचेगा। ठीक है, फर्स्ट पास विद द ग्रेन चालू करते हैं, रोमर 7 वाइस रॉय विद शेविक्स ऑन यूज नंबर 2। अगर आप मुझसे पूछो कि इसकी एग्रेसिवनेस अगर आउट ऑफ 10 बतानी है तो कितनी लग रही है, सो आउट ऑफ 10 इसकी एग्रेसिवनेस मेरे को लग रही है अबाउट 2.53 के आसपास इस रेजर की। स्लिकनेस जबरदस्त है, वेरी गुड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। पिंक वूल की शेविंग सोप से ना मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, आज तक एक भी कंप्लेंट मेरे को नहीं आई। अभी शेवेट सितंबर हो गया और शेवेट में थोड़ा टाइम तो लगता है यार, और क्या मेरी प्रैक्टिस थोड़ी छूट भी गई है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, वो डबल एज कितना फास्ट होता है यार शेविंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेवेट से शेव कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए क्योंकि एंगल में ही उसका पूरा जो है गेम छुपा हुआ है शेवेट का, तो उसमें प्रैक्टिस भी ज्यादा चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस भी ज्यादा चाहिए क्योंकि उसको सीखने में टाइम लगता है और सीखते सीखते कट्स वगैरह लगते हैं उसमें। ब्लेड वेरी गुड, शार्प एंड स्मूथ एट द सेम टाइम, नो कंप्लेंट्स, ऑलमोस्ट एज गुड एज विल्किंसन स्वॉर्ड। सो मेरे को यार अब सिल्वर मैक्स की हाफ ब्लेड मैंने ट्राई की और वो वाली ब्लेड भी है सिल्वर मैक्स की डबल एच, वो भी देखेंगे डेफिनेटली, बट ये शेवेक्स ब्लेड मेरे को बहुत अच्छी लगी। सो 1 वर्टीज की और ये शेवेक्स दोनों मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेट्स डू लादरिंग फॉर द सेकेंड पास। स्लिकनेस वगैरह बहुत अच्छी लगी शेविंग सोप की, शेविंग सोप जितना ब्रश में था उतना ही है, वापस से हमने जो है सोप कलेक्ट नहीं किया है पक से। फ्रेग्रेंस बरकरार है, बिल्कुल भी डिसिपेट नहीं हुई फ्रेग्रेंस, वेरी नाइस। वेरी नाइस, अब मैं आज विद द ग्रेन ही करूंगा सेकेंड पास भी, क्योंकि अक्रॉस द ग्रोथ वगैरह की जरूरत नहीं है आज, आई वॉन्ट टू कीप दैट फॉर सम अदर शेप। तो मैं, हाँ मैं ये बता रहा था कि रोमर 7 का ना वाइसरॉय का एक और मॉडल आता था, दिस इज द वाइसरॉय प्रीमियम, और ये सही में ही प्रीमियम है, मतलब वॉट अ वेट, नर्लिंग और पूरा इसका मैकेनिज्म वगैरह एकदम ही प्रीमियम है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये मॉडल बंद हो गया क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, एंड नाउ हमारे पास जो बेसिक मॉडल है वाइसरॉय का वो है, विच इज ऑल्सो गुड,
नो कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट एज वेल. वेरी माइंड नाइस एंड माइंड रेजर रियली, डेली शेप्स के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं इसको. कूल. आजकल कूल ऑसम बोलने की बहुत आदत लग गई यार. तो मेरे को एक कोई सीरियल था या फिल्म थी पता, आई डोंट नो, उसमें एक डायलॉग था कि वो बच्ची रहती है और बोलती है दादी कूल, क्या मम्मी कूल, ऐसा कोई बोलती है. उसकी मम्मी या दादी जो भी रहती है बोलती हाँ एक तू ही तो कूल है, बाकी हम सब तो नामा कूल है. ये हो गया यार आजकल. ओके भी, ओके का भी रिप्लेसमेंट हो गया है कूल. और कूल का एक्चुअल मतलब क्या होता है? ठंडा. ऑल राइट, गुड यार, गुड. तो ड्राई तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, वेरी गुड. मॉइस्चराइज, नो इरिटेशन, कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, एकदम शानदार, वेरी गुड. और शेविंग सोप की थोड़ी थोड़ी खुशबू है आजू बाजू. इट इज रियली गुड फ्रेग्रेंस यार, मतलब बहुत एकदम जगह देने वाली फ्रेग्रेंस है, विच इज गुड. तो चलिए मैं रिंस कर लेता हूँ और फिर आगे बात करते हैं. चलो यार हम शेवेट के साथ में एलम फीडबैक चेक करते थे, तो वाइसरॉय के साथ में क्यों नहीं. हल्की सी टिंगलिंग है खास करके इधर और इधर, इधर पता नहीं क्यों है यार, पर इधर है वो, इधर मेरे को हमेशा होती है. दिस इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट फॉर मी, बट अदरवाइज कुछ भी नहीं, नथिंग. इस कर लेता हूँ एलम को और फिर आफ्टर शेव सेक्शन में चलते हैं. सो टोन हो गई स्किन, अब ड्राई तो नहीं लग रहा है, बट हाँ वो टाइटनेस आ गई है स्किन में. सो आई कैन डेफिनेटली फील कि वो पोर्स थोड़े से कंस्ट्रिक्ट हुए हैं. ड्राई नहीं लग रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू अप्लाई अ बिट ऑफ मॉइस्चराइजिंग आफ्टर शेव क्रीम, विच इज रुबाब मेन एक्सटिंग्विश द फायर पोस्ट शेव क्रीम. देयर इज नो फायर टुडे एज सच, बट स्टिल यूज कर लेते हैं. तो मैं थोड़ा सा लेता हूँ, लगभग इतना. ओके और इसको कर देता हूँ बंद. इसकी खुशबू मेरे को बहुत पसंद है, लैवेंडर, प्योर लैवेंडर, प्योर लैवेंडर. हाँ, लैवेंडर इसेंशियल ऑयल टाइप खुशबू है, इसेंशियल ऑयल की खुशबू है, क्योंकि मेरे पास लैवेंडर इसेंशियल ऑयल है प्योरेस्ट फॉर्म का, उसकी खुशबू बिल्कुल ऐसी ही है. और ये जो है पोस्ट शेव क्रीम है, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, मॉइस्चराइज कर देता है, आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना लेता है और बहुत बढ़िया है. मेरे को कुछ पोस्ट शेव क्रीम्स बहुत अच्छे लगते हैं, विच आई कैन यूज अक्रॉस ऑल सीजन, जैसे कि पिंक वुल्फ के पोस्ट शेव लोशन, आफ्टर शेव लोशन, ठीक है, बाम नहीं. बाम थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइज करता है, तो वो रेनी सीजन और समर से मैं यूज नहीं कर सकता, ठीक है. उसके बाद में एनहर्ब एक बहुत बढ़िया आफ्टर शेव कंडीशनर है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में मिलता है, मैं लिंक दे दूंगा, चाहिए तो आप देख लो. उसके बाद में यार एक आता है मैन कोड का आफ्टर शेव बाम. अब वो बाम बोला गया लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट इसके ऐसी ही है, एक्सटिंग्विश द फायर जैसी है, उसका पैकिंग भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, वेरी गुड. बोथ ऑफ देम, ये तीन चार ऑप्शन मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल एल्कोहल फ्री, बिल्कुल एल्कोहल फ्री और मॉइस्चराइजिंग एंड सूदिंग एट द सेम टाइम एंड डू नॉट मेक द स्किन ऑयली वगैरह बिल्कुल भी. सो यार गुड शेव. अब फोकस कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट की तरफ जो हमने फोकस किया आज, विच इज पिंक वुल्फ का नेरोलियन मैंडरिन लग्जरी शेव सोप. वेरी गुड शेव सोप, बहुत ही जगह देने वाला एहसास. एंड रियली इफ यू वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश डे विद फ्रेश स्टार्ट, तो फिर आपको ये शेविंग सोप यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से. रियली वेरी गुड, वेरी गुड. अभी भी थोड़ी थोड़ी महक इसकी जो है आसपास घूम रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट. लादर ये वही पहले पास में के पहले जो लिया था वही लादर है, बिल्कुल डिसिपेट नहीं हुआ, कंसिस्टेंट है, अच्छा वॉल्यूम वगैरह मिला, स्लिकनेस इज वेरी गुड, मुझे अच्छी लगी इसकी स्लिकनेस. एंड ब्लेड, शेविंग्स ब्लेड गुड, सेकेंड शेव भी अच्छी स्मूथ एंड शार्प दोनों थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई.
इजीली शेव हो गया। रोमर 7 वाइस रॉय माइल्ड रेजर, ट्विस्ट टू ओपन, इजी टू लोड, ज्यादा झंझट वाला रेजर नहीं है। देखो इसका लुक अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा कोई फैंसी नहीं है एज कम्पेयर टू, अगर ये प्रीमियम वाला मॉडल देखो तो इसका लुक और इसका लुक देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। दिस इज नॉट आई से नॉट द बेस्ट लुकिंग रेजर बट इट इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रेजर। डेली शेव, थ्राइस अ वीक शेव, ट्वाइस अ वीक शेव, दिस विल सफाइस फॉर ऑल रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया रेजर है, यूज करके देखना चाहिए, बजट में अवेलेबल है। एंड एक्सटिंग्विश द फायर की बात हमने कर ली, ऑल वेंट वेल, वेरी हैप्पी विद द शेव टुडे, बहुत मजा आया नया शेव सोप ट्राई करके। वेरी गुड इनोवेशन फ्रॉम द हाउस ऑफ पिंक वुल्फ, नई नई चीजें आती रहती यार पिंक वुल्फ की तरफ से, बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली किसी भी ब्रांड की तरफ से कोई नया इनोवेशन होता है तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज आज से 3-4 साल पहले जो वेट शेविंग की कंडीशन थी और आज जो है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आया है, ड्रास्टिक स्केल इंक्रीज हुआ है, विच मेक्स मी वेरी हैप्पी, खास करके भारत के लोगों के लिए कि यार आपको एक नया ऑप्शन तो पता पड़ा। हम लोगों को भी नए प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करने को मिल रहे हैं, हम लोगों को भी नए तरीके जानने को मिल रहे हैं शेविंग के, एंड वी आर मेकिंग इट अ वेरी एंजॉयबल प्रोसेस, सो रियली एंजॉय अ लॉट। और लिंक सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन में होंगे, आप अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से कनेक्ट कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा कीजिए। पोस्ट अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन क्लिक कर दो, तो जैसे मैं पोस्ट करता हूँ तो आपको पता पड़ जाएगा। राइट, सो मिलेंगे हम वापस एक वेट शेविंग एपिसोड में, तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव, नमस्कार, बाय बाय।